नमस्कार रुआ, आज तक देख रहल बानी और हम रुआ साथे बानी आई नैना। आज रुआ खातिर खबर लेके आइल बानी, उहो भोजपुरी में। तो आई खबर के शुरुआत कइल जाए। लोकसभा चुनाव के प्रचार में तेजी आ गिल बा, आ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पलटवार के सामना करे के पड़त बा। 24 घंटा के भीतर पार्टी 3 बड़ चेहरा गवा देले बिया। बुधवार के दोपहरिया में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गयी ले। कुछ घंटा बाद कांग्रेस संजय निरुपम के पार्टी से निकाल देहलस। गुरुवार के सवेरे पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी अचानक कांग्रेस छोड़ देले। हरियाणा, महाराष्ट्र आ राजस्थान में एह तीनों नेता के बड़का चेहरा मानल जाला। चुनाव का बीच कांग्रेस खातिर एकरा के बढ़न नुकसान मानल जात बा। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से हटावे के मांग करत याचिका के खारिज कर देलस। हाईकोर्ट कहलस कि अगर संकट के स्थिति बात राष्ट्रपति भा एलजी फैसला करी है, कोर्ट ओकरा में दखल ना दी ही। एकरा संगे संगे गिरफ्तारी अबूरी रिमांड के खिलाफ केजरीवाल के याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज आपन फैसला दे सकता। दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार के याचिका की सुनवाई के बाद आपन फैसला सुरक्षित रख ले रहे। बुधवार के सुनवाई शुरू भइल त सबसे पहले केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी आपन पक्ष पेश कइले। फिर दोपहरिया के खाना खिलाका बाद अपर सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ईडी का तरफ से कोर्ट में दलील दिहलन। केजरीवाल के वकील सिंघवी हाईकोर्ट में कहले कि आम चुनाव आ गइल बा, एही से केजरीवाल के अईसन समय में गिरफ्तार कर लिहल गइल बा ताकि ऊ चुनाव प्रचार के हिस्सा नईखन बन सकत। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई में जनसभा के संबोधित कइले। कांग्रेस पर निशाना साधत पीएम मोदी कहले कि आज एक तरफ कांग्रेस अवुरी राजद जैसन पार्टी बा जवन की अपना सरकार के दौरान पूरा दुनिया में देश के नाम बिगाड़ देले, दूसरा तरफ भाजपा आ एनडीए बा जवना के नेतृत्व में विकसित भारत आ समृद्ध भारत के निर्माण हो रहल बा। पीएम मोदी आगे कहले कि कांग्रेस शासन में भारत के कमजोर अवुरी गरीब देश मानल जात रहे, छोट छोट देश के आतंकी जवन आज आटा के लालसा में बाड़े हमनी पर हमला के चल जात रहले, तब के कांग्रेस शिकायत लेके दूसरा देश में जात रहे। बाकिर मोदी कहलन कि ई काम ना चली। कांग्रेस नेता पप्पू यादव आजू पूर्णिया से निर्दलीय का रूप में राजद उम्मीदवार का खिलाफ आपन नामांकन दाखिल करी है। पप्पू यादव कहले कि आज हमरा जीवन के अध्याय हका है कि हम सबके दिल जीत ले बानी, अवुरी सबके आशीर्वाद मिलल बा। हम भारत गठबंधन के मजबूत करे के काम करब। कांग्रेस के स्थापना कवनो कीमत पर होखे के चाही। युवा अवुरी देश के अर्थव्यवस्था पर चर्चा होखे के चाही। नामांकन दाखिल करे से पहले पप्पू यादव तेजस्वी यादव पर बड़ हमला कर देले। कहलन कि तेजस्वी यादव से कहब कि नफरत के राजनीति छोड़ दी, हमार भारत गठबंधन भी प्यार करते, राजनीति में कवनो दुश्मन नहीं खे। लालू यादव जी के आशीर्वाद के हमेशा आशा रहेला। हमार समर्पण यहाँ के लोग के संगे बा, हमरा बिहार के जनता से प्यार बा, हम लोग के भी इज्जत करेनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड से काल्हू यानी 3 अप्रैल के लोकसभा सीट खातिर चुनावी उम्मीदवारी दाखिल किले बाड़न। अपना आमदनी के संगे संगे राहुल गांधी शेयर गोल्ड बॉन्ड अवुरी म्यूचुअल फंड में निवेश के खुलासा कैले। चुनावी हल्फनामा के मुताबिक राहुल गांधी के पोर्टफोलियो में 25 शेयर बा जवना में 4.30 करोड़ रुपया के निवेश कैले बाड़े। राहुल गांधी टाटा कंपनी, ICICI बैंक अवुरी बहुत बड़ कैप स्टॉक में निवेश कैले बाड़े। एकरा अलावे उ कुछ स्मॉल कैप फंड में भी पैसा लगा चुकल बाड़े। तो ई भोजपुरी भाषा में आज के बड़का खबर रहे जवन सुर्खी बन गईल। हमनी के ई कंटेंट कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताई। काल है फेरू हमनी के भोजपुरी भाषा में बड़ खबर लेके रुआ खातिर मौजूद रहम जा। फिर अपन ख्याल राखिए जा।